Assalamualaikum. Hello guys, मैं दे रहा हूँ आपको और आप देख रहे हैं मुझको, तो वेलकम करते हैं आपको हेलो टेक की दुनिया में। आज की वीडियो में एक ऐसे मोबाइल का रिव्यू आपसे शेयर करने वाला हूँ जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। एक ऐसा स्मार्टफोन, एक ऐसा मोबाइल ओप्पो की एक और सीरीज जो पाकिस्तानी मार्केट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत कामयाब रही, और इसी तरीके से अब उसका एक और नया मॉडल आपको देखने को मिल रहा है जिसका नाम है ओप्पो रेनो 4। ओप्पो रेनो 3, ओप्पो रेनो 2 हमें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब देखने को मिला, बट अभी बहुत जल्द रिलीज किया जा रहा है बहुत ही कमाल के स्टाइल लुक के साथ और बहुत ही कमाल के कैमरे सेटअप के साथ और बहुत ही कमाल के स्टाइल के साथ आपको मिलेगा ओप्पो रेनो 4 पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो इसी पे होने वाली है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्वालिटी है, क्या डिजाइन है, क्या डिस्प्ले है, सब कुछ बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं बात स्टार्ट करने वाला हूं इसके स्टाइल से। तो बैक पे आपको 4 कैमरे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है और जो पहला कैमरा आपको देखने को मिल रहा है वो 48 मेगापिक्सल देखने को मिल रहा है, और इसी तरीके से मैं दूसरे कैमरे की बात करूं तो 8 मेगापिक्सल आपको कैमरा देखने को मिल रहा है, और इसी तरीके से अगर मैं तीसरे कैमरे की बात करूं तो 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से चौथे कैमरे की बात करूं तो एक आपको डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिल रहा है, उसके साथ आपको लो लाइट एक फ्लैश लाइट आपको देखने को मिलेगी। कैमरे का सेटअप बहुत ही कमाल का डिजाइन किया गया है और लुक बैक की बहुत ही कमाल की आपको देखने को मिलेगी प्लास्टिक के अंदर, और इसी तरीके से हर मोबाइल की तरह ओप्पो के ये वाला मोबाइल भी मुझे उम्मीद है कि कैमरे के लिहाज से बहुत ही आउट क्लास होने। नंबर पे अगर मैं बात करूं इसके चिपसेट की तो चिपसेट यहां पर स्नैपड्रैगन का 880G को यूज किया गया है जो बहुत ही कामयाब रहा ओप्पो की सीरीज में, जो बहुत ही कामयाब रहा रियलमी की सीरीज में, जो बहुत ही कामयाब रहा तमाम मोबाइल्स के तमाम कंपनियों की सीरीज में। हमने काफी ज्यादा मोबाइल्स में स्नैपड्रैगन का चिपसेट लेने को मिला और काफी ज्यादा कामयाब रहे। इस दफ़ा भी ओप्पो के अंदर जो ओप्पो रेनो 4 है इसकी अच्छी खासी मार्केट है पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, इसके अंदर भी स्नैपड्रैगन को यूज़ किया गया है। होप आपको ये वाला चिपसेट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना राय जरूर दीजिएगा। चिपसेट के साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले की तो डिस्प्ले आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, बहुत ही कमाल का डिस्प्ले है। इसी तरीके से मैं इसके ग्लास की बात करूँ, यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 6 को यूज़ किया गया है। हमने पीछे भी देखा वहाँ पर भी तकरीबन तमाम मोबाइल्स में गोरिल्ला ग्लास को यूज़ किया गया था, बट यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 6 को यूज़ किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मेमोरी। मेमोरी बहुत डिपेंड करती है आपके मोबाइल के अंदर रैम और मेमोरी, और दूसरी चीज़ कैमरा। हमारे पाकिस्तानी साथ दो चीज़ सबसे पहले देखा करते हैं, एक तो कैमरा और दूसरी बात मेमोरी। मेमोरी का यहाँ पर क्या सेशन रखा गया, तो मेमोरी आपको जो यहाँ पर देखने को मिलेगी वो है 8GB रैम और 256GB मेमोरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर मेमोरी की बात करें और कैमरे की बात करें जो हमारे पाकिस्तानी हजार ज़्यादातर तमाम मोबाइल्स में देखते हैं, और इसी तरीके से बहुत ही आउट क्लास मोबाइल, और इसी तरीके से बहुत ही आउट क्लास सीरीज़, और इसी तरीके से बहुत ही आउट क्लास कंपनी, हमारे पाकिस्तानी इन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस किया करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कबूल करता है ये वाला मोबाइल, ये तमाम चीज़ें पूरी करता है ये वाला मोबाइल। अगर आप बाय करना चाहते हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर, एक महंगे मोबाइल की तलाश में है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस मोबाइल को, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको इसकी प्राइस भी बताने वाला हूँ। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इस मोबाइल की बैटरी की तो यहाँ पर आपको बैटरी 4400 mAh की देखने को मिल रही है। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया, 5000 हो जाती क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है 5-6000 का। लोग ज़्यादातर उस चीज़ को बैटरी को भी देखते हैं और जो देखते हैं वो 5-6000 देखते हैं कि हमें 5000 या 6000 बैटरी देखने को मिल जाए, बट फिर भी ठीक है, अच्छी बैटरी है, लेकिन 5000 को टच कर जाती तो बहुत कामयाब हो जाना था। आखिर मैं बात करूँ अगर इसकी एंड्रॉयड वर्जन की तो एंड्रॉयड वर्जन आपको हर एक मोबाइल की तरह, हर एक कंपनी की तरह, हर एक जगह की तरह यहाँ पर भी आपको 10OS आपको एंड्रॉयड वर्जन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से बहुत ही कमाल की ये डिवाइस होने वाली है और बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर रिलीज होने वाली है। अगर मैं आखिर में इसकी बात करूं प्राइस की तो प्राइस यहां पर आपको 95,000 से लेके 1,00,000 तक देखने को मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको अगर 1,00,000 तक कोई फोन देखने को मिलेगा तो इससे अच्छा कोई नहीं फोन हो सकता, क्योंकि यहां पर आपको 48 मेगापिक्सल देखने को कैमरा देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसके चिपसेट की, जो स्नैपड्रैगन यहां पर चिपसेट यूज किया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि मेमोरी और डिजाइन, डिजाइन इसका बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा इस दफा। जो स्टाइल है
वो हमें यूनिक टाइप का देखने को मिलेगा। तमाम मोबाइल जितने ओप्पो की पिछली सीरीज जो ये वाली जो पिछली सीरीज गुजरी है वहाँ पर हमें स्टाइल के लिहाज से ये मोबाइल काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहा और मुझे उम्मीद है इस दफ़ा भी ये मोबाइल इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहेगा। और दूसरी चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी कैमरा, और तीसरी चीज़ इसकी मुझे मेमोरी बहुत अच्छी लगी। आई होप कि आपको ये मोबाइल बहुत अच्छा लगा होगा, इसका रिव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। जो चीज़ आपको अच्छी लगी है इसका रिव्यू के अंदर, जो चीज़ मैं मिस्टेक कर चुका हूँ और जो चीज़ मैं नहीं बता सका वो कमेंट बॉक्स में आपने बतानी है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है हमने जहाँ से ली उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि हमने आपको थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अनबॉक्सिंग और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। बहुत जल्द बहुत ही कमाल कमाल की अनबॉक्सिंग आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं आपसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।